आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत ने चीनी निर्यात के मामले में रिकॉर्ड बना लिया है। भारत ने सितंबर में समाप्त मार्केट ईयर 2021-22 में मई तक 86 लाख टन चीनी के निर्यात के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी कि इस्मा की तरफ से चीनी निर्यात की जानकारी दी गई। बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक देश में शामिल है। भारत ने मार्केट ईयर 2020-21 में कुल 7 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया था, जबकि इसी अवधि में घरेलू उत्पादन 31.19 मिलियन टन था। पिछले महीने सरकार ने पर्याप्त मात्रा में चीनी की घरेलू आपूर्ति की बात कही थी। वहीं त्योहारी सीजन में अक्टूबर नवंबर के दौरान चीनी की खुदरा कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार की तरफ से चीनी के निर्यात को 1 करोड़ टन सीमित कर दिया गया था। हालांकि सहकारी समितियों ने निर्यात सीमा को 10 लाख टन बढ़ाने की मांग की है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 9.4 से 9.5 मिलियन टन चीनी के निर्यात का करार किया गया है। इसमें से करीब 8.6 मिलियन टन मई 2022 के अंत तक निर्यात की संभावना है। वहीं चालू मार्केटिंग ईयर की अक्टूबर अप्रैल अवधि के दौरान घरेलू बाजार के करीब 16 मिलियन टन चीनी की बिक्री होने का अनुमान है, जो एक साल पहले की अवधि में 15.26 मिलियन टन से 7,50,000 टन से ज़्यादा है। इसके अलावा सरकार ने जून तक जारी घरेलू चीनी बिक्री कोटा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5,50,000 टन ज़्यादा कर दिया है। ऐसा अनुमान है कि चालू मार्केटिंग ईयर में घरेलू चीनी खपत 27.5 मिलियन टन होगी, जबकि पिछले वर्ष में ये 26.55 मिलियन टन थी। इस्मा के अनुसार चालू मार्केटिंग ईयर में 6 जून तक घरेलू चीनी उत्पादन 35.23 मिलियन तक पहुंच गया है, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 30.74 मिलियन टन था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।